ये कुत्ता यहाँ पे आस पास में पूरा ये घूमते नजर आते हैं, आए पास में पूरा भटकते रहेंगे। और उसके बाद से बता दे कि इन जो ये लड़की इन सारे कुत्ते से बहुत ही काफी प्यार करती है कि ना? सही है या गलत? सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको प्रेम निभाने की क्षमता नहीं है तो आप करें नहीं, चाहे किसी से आप करें, लड़का से करें, लड़की से करें, पशु पक्षी से करें, किसी से करें, मैं निभाऊंगी क्योंकि मुझ में क्षमता है। तो आप किसी से प्यार करते हैं तो निभाएं, अगर नहीं निभा सकते हैं तो करें नहीं। और अगर बाद में गार्जियन का दबाव होता है, वो नहीं मानते हैं तो आत्महत्या करेंगे, ये सब ना करें। वो पहले सोच लें कि हमें क्या करना चाहिए, और इतना नहीं सोच पाते हैं तो ऐसा प्यार प्यार नहीं हो सकता। फिर प्यार निभाने की बात कर रही है क्योंकि 2-2.5 साल से इन कुत्ते और जानवर से बहुत ही काफ़ी लगाव है। लोग तो 4 मंथ 5 मंथ में जो बहुत ज़्यादा प्यार होता है वो ख़त्म हो जाता है। नहीं, इस प्यार में ब्रेकअप नहीं होगा, ये आप पहले जान लीजिए। ये प्यार बढ़ता जाएगा और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप देखेंगे कि एक दिन इससे बड़ा मुहिम ये खड़ा कर दूंगी। अच्छा, अभी मैं पहुंच चुका हूं गांधी मैदान में, जो पीछे आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहाँ पे तो इंसानों को भगाया जाता है। इस बिहार में इंसानों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जहाँ पे कुत्ते से इतना प्यार किया जा रहा है। जो देख रहे हैं कि एक लड़की है, एक लड़की होके वो भी भागलपुर की रहने वाली है, या पटना में रह के यहाँ जितने भी कुत्ते पटना में हैं, जो भी घायल हैं या कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो इनसे कॉन्टेक्ट लोग करते हैं, इन लोगों को मदद करती हैं। ये जो देख रहे हैं ये लड़की और बहुत सारे कुत्तों को हमेशा रोज़ का रूटीन यही रहता है कि इन कुत्तों को खाना खिलाती हैं, और इनसे मैं बात करने का मैं प्रयास करता हूँ कि इनके माइंड में ये कहाँ से आया। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप इतने सारे कुत्तों को जिस तरह से खाना खिलाती हैं, तो आपके माइंड में ये कहाँ कॉन्सेप्ट कहाँ कैसे आया कि मेरे को खाना खिलाना चाहिए? इनका भूख देख के आया, वास्तविक तो ये है। जब हम लॉकडाउन के टाइम पे आए तो ये भूखे मर रहे थे, उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं खाना खिलाऊंगी। मैं और हम दोनों मिलके ही ये डिसाइड किए कि नहीं, इनका भोजन, इनको भोजन देना है। इंसान को तो हर कोई देता है जी, इनको कौन देता है। अच्छा, रोज़ का रूटीन आपका यही रहता है, गांधी मैदान में आती हैं, यहाँ पे कितने कुत्तों को रोज यहाँ पे खिलाती हैं? यहाँ पे तो 15-20 रहते थे, आगे पीछे हो जाते हैं। कोई सुबह में 8 बजे खा लेता है, कोई 3 बजे भी खा लेता है, और कोई इस टाइम पे। अभी 7-10-12 को होगा, अभी 10-12 यहाँ होंगे आराम से। खा पी के कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ घूमते रहते हैं, मेरे जाने तक रहेंगे। ये जो देख रहे हैं ये जब यहाँ पे एंट्री करती है गांधी मैदान में, और पीछे से आप तस्वीरें दिखाते रहे, ये कुत्ता यहाँ पे आस पास में पूरा ये घूमते नजर आते हैं, आए पास में पूरा भटकते रहेंगे। और उसके बाद से बता दे कि इन जो ये लड़की इन सारे कुत्ते से बहुत ही काफ़ी प्यार करती है कि ना? हाँ, कुत्ते से नहीं, सभी जानवर से, जो सड़क पे है उससे, जो और कहीं है जिनके खाने पीने का साधन मुहैया हो जाता है, मैं तो सबसे प्यार करती हूँ। लेकिन उनकी चिंता मुझे नहीं होती है, पर इनकी फिक्र होती है मुझे। अच्छा, बिहार में बहुत ही काफ़ी ट्रेंड कर चुका है, बिहार की लड़कियाँ ज़्यादातर के प्यार में पड़ती है, उसके बाद से जान जाता है, इधर जाता है। अरे, आप कुत्तों के ही पीछे लगी हुई है, जानवर के पीछे ही लगी हुई है, जानवर से ही प्यार कर रही है? ये सवाल बहुत बेहतर है। देखिए, प्यार क्या होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं कर सकते हैं आप। प्यार का तो बहुत रूप होता है, विविध प्रकार का होता है। मुझे इनसे प्यार है इसलिए क्योंकि ये एक जीने का जरिया है, जैसे इंसान भी जीने का जरिया है। लड़कियों को किसी से हो प्यार, पर एक बात मैं कहूँगी कि अगर वास्तविक में नेचर को समझना है, रियल लव को जानना है, तुम्हें सजने संवरने की ज़रूरत अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे साथ इस मुहिम में आओ और देखो ये इनका प्यार। इनको बताने को सकता नहीं पड़ती है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे अटेंशन दो। इनसे अटेंशन मुझे यूँ ही मिल जाता है। अच्छा, ये जो लड़कियाँ जो बिहार में इस तरह से प्यार जो कर रही हैं, आगे चल के जान जा रही है, जो भी लड़का के जान जा रहा है, उनके लिए क्या बोलना चाहती हैं? क्या प्यार करना इस तरह से, अगर प्यार कर रही है तो अच्छे से उसको निभा पाइए तो निभाइए, आ नहीं तो बीच राह में मरना जीना ये सब सही है या गलत? सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको प्रेम निभाने की क्षमता नहीं है तो आप करें नहीं, चाहे किसी से आप करें, लड़का से करें, लड़की से करें, पशु पक्षी से करें, किसी से करें, मैं निभाऊंगी क्योंकि मुझ में क्षमता है। तो आप किसी से प्यार करते हैं तो निभाएं, अगर नहीं निभा सकते हैं तो करें नहीं। और अगर बाद में गार्जियन का दबाव होता है, वो नहीं मानते हैं तो आत्महत्या करेंगे, ये सब ना करें। वो पहले सोच लें कि हमें क्या करना चाहिए, और इतना नहीं सोच पाते हैं तो ऐसा प्यार प्यार नहीं हो सकता। फिर प्यार निभाने की बात कर रही है क्योंकि 2-2.5 साल से
इन कुत्ते और जानवर से बहुत ही काफी लगाव है, लोग तो 4 मंथ 5 मंथ में जो बहुत ज्यादा प्यार होता है वो खत्म हो जाता है। नहीं, इस प्यार में ब्रेकअप नहीं होगा, ये आप पहले जान लीजिए। ये प्यार बढ़ता जाएगा और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप देखेंगे कि एक दिन इससे बड़ा मुहिम ये खड़ा कर दूंगी। अच्छा, पटना में कितनी कुत्तों को आप खाना खिलाती हैं? 450 लमसम। 450। आपकी टीम में कितने लोग हैं अभी? मेरे टीम में मैं हूँ, ये हैं और एक दो लोग हैं, ऐसा नहीं है। मेरी एक छोटी बहन है जो थोड़ा 1000 रुपये हर महीने देती है, तो वो भी टीम में है। और एक दो मित्र भी हैं, पीएफसी वाले एक विवेक जी हैं, वो भी हैं। कई और लोग हैं, एक छोटा सा दुकानदार बेचारा अमित है, वो भी है। कई मेरे मित्र और भी हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। तो जो भी हैं, कभी कभी सब लोग मदद कर देते हैं, कई टीचर भी हैं। अच्छा, ये जो आप जो चला रही हैं कि इन कुत्तों जानवर को जो भी मतलब प्यार करना चाहिए, इनको लोगों को इनको खाना खिलाना चाहिए। इंसानों को तो खाना कहीं से भी जाके खा मिल जाता है, इन जानवर को कहाँ से मिलेगा? हम इंसान हैं और इनकी जिम्मेवारी ईश्वर ने हमें दी है। चाहे हम किसी भी मजहब से हैं, किसी भी कौम से हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं, चाहे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन कोई भी हैं, ये बात नहीं बनता है। हर मजहब में ये लिखा है, हर धर्म में ये लिखा है कि इंसान की जिम्मेवारी है, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा विवेकशील प्राणी है। हमारा हक है कि हम इन सब का के बारे में सोचें, अगर हम नहीं सोचते हैं तो हम सेल्फिश हैं। अच्छा, आप जानवरों के लिए जो है आप काम कर रही हैं, आपके टीम में 4-5 लोग हैं, क्या इस टीम को मतलब क्या मतलब कहां तक आपका सोच है, क्या करना चाहती हैं? मैं ये नहीं चाहती हूं कि अंधेरे में अकेली किरण रहूं। मैं सबसे अपील करती हूं कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितने भी मगध के मागधिक हैं, पाटलिपुत्र तो सबसे पहले सारे के सारे मेरे साथ हों, क्योंकि मगध का इतिहास ही ऐसा रहा है। तो हम क्यों ना मिल करके एक अच्छा संसार बनाएं। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल पे आइए, हमारी बात को समझिए, हमें भी अपना बात सुनाइए, ताकि मैं भी उससे सीखूं और भी कुछ करूं इसके साथ। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं कहती हूं कि अकेले मत करो मुझे, मेरे साथ सब हो लो, जितना हो सकता है। अब मेरा अपना बड़ा परिवार बने, पटना एनिमल में छोटा सा नहीं रखना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं हूँ, ये हैं, नहीं। मैं चाहती हूँ कि एक दिन जब आप आएँ तो मेरे पीछे पटना के लोग हों, बिहार के लोग हों। अच्छा, ये बताइए कि आप लड़की हो कि जिस तरह से हर गली में जाती हैं, 4-5 कुत्तों 10 कुत्तों को खाना खिलाती हैं, तो लोगों से क्या सुनने को मिलता है आपको? देखिए, कई लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं, कई लोग थोड़ा सा गलत कमेंट भी कर देते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि इन कुत्तों को उठा के अपने घर ले जाएं आप, हमारा गली गंदा हो जाता है, हमारे गली में खाना मत दें। कई लोग अपील करते हैं कि मेरी भी गली में आएं, उस गली में भी आएं। तो ये क्या है, लगा रहता है, ये जीत हार है, ये प्यार गुस्सा है, ये चलता रहता है। पर आपको या हमें किसी को भी इस बात पर कंसंट्रेट होना है कि हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अभी जहाँ तक कि मतलब लोगों की अभी सोच मतलब कुछ बदली नहीं हुई कि जानवर को आप खाना खिला रही थी, लड़की पागल है, ये है, आपको अब खाना खिला रही तो अपने घर ले जाकर खिलाइए, मेरा गली गंदा हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, मुझसे अपील कर देते हैं, 4-5 मोहल्ले वाले कई बार कई कई मोहल्ले में आ भी जाते हैं कि यहाँ मत दीजिए, वहाँ दीजिए। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैं गंदा में ही खाना दे दूँगी तो फिर मुझमें और उसमें क्या अंतर हो जाएगा? वजह, ये भी तो जानवर है, इसे मिट्टी में लपेट के दूँ तो क्या इसका पेट आंत मांस का नहीं बना है? हमारे जैसा नहीं है क्या? हम अलग से बने हुए हैं। तो ये बात थोड़ा समझने में वक्त लगेगा, पर मैं जानती हूँ कि सब कुछ बदलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो अगर आप जो काम को जो कर रही है पटना के अंदर कर रही है, आपने टीम बढ़ाने की बात करी, तो आपकी टीम में अगर किसी बंदे या किसी लड़की या किसी लड़का को ज्वाइन होना हो तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें, किस तरह से आप मतलब? हमारा फ़ोन नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप उसे उन्हें दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हमने पटना एनआर एनिमल का पेज भी बनाया हुआ है फेसबुक पे, और इसका यूट्यूब पे चैनल भी बनाया, इंस्टा पर भी बनाया हुआ है। तो आप हमसे जुड़े, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबका स्वागत है। जो भी जुड़ना चाहे, जैसे जुड़ना चाहे, बस जुड़े जुड़े और काम करें। जो भी जानवर है उन लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों की मदद करें, है कि नहीं? एक अपील है कि हेल्प करें, क्योंकि अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम सभी मिलेंगे, जब सब मिले तब तो गांधी बाबा इस देश की आज़ादी के लिए लड़ पाए थे, या कोई भी क्रांतिकारी लड़ पाया था। मेरा भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी, हम दोनों का क्रांतिकारी मुहिम है। मैं चाह करके पूरे बिहार या भारत के जानवर को अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खिला पाऊँगी। अगर सब हो जाएंगे तो कहा जाता है कि एक का बोझा और 100 की लाठी हो जाती है, तो ऐसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम। तो आप लोग से भी निवेदन है कि इस टीम में ज्वाइन हो, जो भी जानवर है उन लोगों को सपोर्ट करें, आई इन ग्रुप में इन लड़की को भी मतलब सपोर्ट करें, आप लोग कुछ मदद करें। ऐसा नहीं है आप लोग से मदद की इतना डिमांड नहीं किया जा रहा है, आप 1-1 रुपये का अगर मदद करते हैं तो इन जानवर को खिलाया जाता है, जानवर को बचाया जा सके, जिनका तबियत।
जब गांधी बाबा आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे किसी राज्य से बहुत सारा राजा का पैसा नहीं चाहिए, गरीब भारत के एक रुपये मुझे चाहिए, हर घर से सिर्फ एक रुपये चाहिए तो ये देश आज़ाद हो सकता है। हमारे राज्य में अभी लमसम में 15 करोड़ लोग हैं, अगर मुझे हर महीने वो 1 रुपये देंगे तो मेरे पास समझ लीजिए कितना पैसा होगा। क्या सिर्फ बिहार के जानवर खाएंगे, पूरे भारत के जानवर की समस्या मैं सॉल्व कर पाऊंगी। तो मुझे 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये की ज़रूरत नहीं है। पर ये याद रखो कि हर घर से सिर्फ 1 रुपये भी हर महीने आना चाहिए, वो 1 रुपया भी मेरे लिए बहुत मायने रखता। आप नहीं पता आपका 1 रुपया एक जानवर का पेट भर सकता है आज के दौर में भी। तो आप इस टीम को ज्वाइन कीजिए, अगर इनका सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, इनका फ़ोन पे नंबर भी दिया जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट करें कि जानवरों की बचा रही हैं, अरे जानवरों के लिए वो भी बिहार की राजधानी पटना में भागलपुर से आके ये काम कर रही है, इनका मनोबल बढ़ाया जाए और बिहार में एक टीम को ग्रोथ किया जाए। बहुत ही सारे लोग इसमें खड़े हों, ये जानवरों को जिस तरह से सपोर्ट किया जाए, है कि नहीं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अगर वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।